2024 का कॉमेडी का सुपरस्टार आपके सामने परफॉर्म जरूर करेगा. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज हर्ष गुजराल. शंकी सर आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है. मैंने तो 3 दिन पहले इनसे बात कर रहा था थोड़ी बहुत, और कह रहे थे हर्ष मैं तुझे स्टैंड अप कॉमेडी सिखाऊंगा. यस तो yeah. मैंने कहा सर आप कहाँ मुझे कॉमेडी वगैरह सिखाओगे. कहते बेटा मैंने आके पिक्चर में ना बंदर से कार चलवा ली थी, तो तू है कौन. वैसे मेरे को लगता है चंकी सर आपके दोस्त बहुत होंगे. दोस्त होते बहुत कमीने हैं, आप मानते हो सर ये. और जो दोस्त कंजूस होता है वो ज्यादा कमीना होता है. मेरा एक दोस्त है उसी की कहानी है, ये बहुत कंजूस है चंकी सर. मतलब आप सोचो ना, आप चाय में मक्खी जाती है, आप ज्यादा ज्यादा क्या मक्खी निकाल के पी जाते हो. हाँ. वो ऐसे ही गटक जाता है. ऐसे ही गटक जाता है. मैंने कहा ये क्या कर रहा है तू. कह रहा तुम लोग भी तो बिरयानी में इलायची आती हो तो पूछते नहीं हो. इतना कंजूस है मैं आपको बता नहीं सकता. हम लोग ऑफिस में साथ काम करते थे, जब भी पार्टी करने जाते थे जैसे ही बिल आ जाता तो उसकी माँ का फोन आ जाता था. हर बार कभी माँ की कॉल, कभी बीवी की कॉल, कभी बच्चों की कॉल, कभी नेचर्स कॉल. हाँ, जैसे ही बिल आता कहता प्रेशर बन रहा है. मैंने कहा ये किस चीज का प्रेशर है. कह रहा बिल का. एक दिन एक बंदा बिल दे रहा था, उसने बोला भाई पार्टी. कह रहा मेरे बॉस का फोन है. उसने कान पकड़ लिया, कह रहा मैं ही बॉस हूं तेरा. खाने को हम लोग ऑफिस में कहते थे कि हम खाना ऑर्डर करेंगे, तू भी साथ में कंट्रीब्यूट कर लियो. कह रहा नहीं नहीं मैं तुम लोग से टेस्ट कर लूंगा, मुझे भूख नहीं है सिर्फ चख लूंगा. उसके बाद जब खाना आता है सर, हम चख रहे होते हैं वो ठूस रहा होता है. मैंने कहा भाई कंट्रीब्यूट कर इसमें, तूने खाना खाया. कह रहा मैंने तो बस टेस्ट किया था. मैंने कहा तेरे डकार की आवाज गूंज रही है. ऐसे दोस्तों के साथ मुझे रह के पता लगा कि जब आप इन दोस्तों को पैसे उधार देते हो ना तो वो गिफ्ट होता है. वो कभी वापस नहीं करते हैं. वन वे जब फोन करो नहीं 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 कोई बात नहीं किस बात के. मैंने बोला भाई पैसे तू लेता क्यों, खर्चता तो कहीं है नहीं. कहता भाई मैं तुझे ना इसका ब्याज दे दूंगा. 5 साल हो गए ब्याज छोड़ो प्याज तक नहीं दिया साले. मेरी जिंदगी में अगर कोई प्याज है तो वही है, हमेशा रुलाता रहता. मेरे से कहता कि तेरे पैसे मेरे पास सेफ रहेंगे, तू गलत जगह खर्च कर देगा. तू अपनी हर कीमती चीज मेरे पास रखवा दिया कर, सेफ रहेगी. इस चक्कर में चंकी जी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ. अच्छा. ये वो दोस्त होते जो आपके बर्थडे वाले महीने में ना काउंटडाउन चलाते हैं कि 10, 9 days टू गो, 8 days टू गो, पार्टी आने वाली है. और हमारी ही पार्टियों से कैंडल चुरा के दिवालियों में लगाते हैं जा जाकर. मैंने तो बोल दिया अगले बर्थडे में मेरा दोस्त मर जाएगा, तुझे भी पार्टी नहीं मिलेगी. कह रहा मुझे पार्टी क्यों नहीं मिलेगी. मैंने कहा वो दोस्त तू ही होगा. बहुत ही मुफ्त कोर है सर, इतना मुफ्त कोर दोस्त मैंने कभी नहीं देखा. हम लोग रिसेंटली पार्टी में गए, बिल आया, उसने जेब में हाथ डाला. मैंने कहा जय हो भाई, आज ये निकाल रहा है पैसे किसी तरह जेब से. 5 मिनट हो गए मैंने कहा पैसे निकाल. कह रहा नहीं मैं तो वो खुजली कर रहा था. उसके बाद कह रहा है मैं पैसे दे दूं, कैशियर ने मना कर दिया, इसके हाथ से कुछ नहीं मिलेगा. हमारी जॉब कट्ठी लगी थी सर उस दोस्त के साथ. हम लोग बस में ट्रैवल करते थे भाई, और मैं सही बता रहा हूँ मैं टिकट लेता था, वो कहता था मैं स्टाफ हूँ. 2 महीने स्टाफ बोल के चलाया. उसके बाद ट्रेन में जा रहा है, टीटी से कह रहा है मैं स्टाफ हूँ. एक दिन पब्लिक उसको पीट रही थी, मैंने कहा क्यों मार रहे हो. कह रहा लेडीज टॉयलेट में घुस के सुसु कर रहा था, वापस बाहर आके कह रहा मैं स्टाफ हूँ. दो पैक के बाद इतनी फालतू बातें करता है ना, ऐसी बातें करता है कि दादाजी ने मेरे ताजमहल बनवाया था, तेंदुलकर को मैंने क्रिकेट सिखाया है, हर्ष गुजराल को मैंने कॉमेडी सिखाई है. ऐसी ही बातें करता है. उसने भी पता क्या हरकत करी, कानपुर मेरा शहर है, वहां पे एक इवेंट बुक किया और यहां मुझे बोला कि मैं तेरे को वहां पे लेकर चलूंगा, तुझे शॉपिंग कराऊंगा बहुत सारी. मुझे वहां ले गया, 20,000 रुपए कपड़े दिलाए, वो वहां से स्पॉन्सर से 5 लाख रुपए उठा लिए. मैंने कहा भाई तूने ये सब कहां से सीखा है. कह रहा हमारे कुल देवता है चंकी पांडे नाम के. बेटा तेरा एक जोक तो रह गया मेरे बारे में. कौन सा? हनीमून के बारे में. आपको पता जब मैं हनीमून पे गया था, मैं अकेला गया था पैसे बचाने के लिए. अगली बार जाओगे मुझे ले चल. ये क्या शौक है. मार्केट में मेरा दोस्त ऐसी बार्गेनिंग करता है, मैं आपको बता रही हूँ. दुकानदारों से जाता कहते भैया 5 साल से आपके पास आ रहा हूँ डिस्काउंट दो. कह रहा भाई 3 महीने मेरी दुकान को. तू 5 साल से को मरने आ रहा है, मैदान हुआ करता था.
ऐसे कहता है मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ, मेरा डिस्काउंट बनता है, डॉक्टर कह रहा है पेशेंट है तू मेरा। इसी तरह मैंने इसकी शादी कराई है। उसकी बीवी ने बोला हनीमून पे कहाँ ले चलोगे, कह रहा है यहीं आसपास ले चलेंगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गया। ओए वाह। उसके घर वाले कह रहे बेटा हमारी उम्र होगी, हमें तीर्थ यात्रा पे ले चलो, इतना बदतमीज है, कह रहा जब मेरी हो जाएगी साथ में ही चलेंगे। मैंने एक दिन पूछा तू बच्चे क्यों नहीं करता, कहता महंगे पड़ते हैं। मैंने कहा खरीदने थोड़ी है भाई, पैदा करने होते हैं। कह रहा नहीं पैदा कर सकता। मैंने कहा क्यों, कह रहा भाई मैं हनीमून पे अकेला गया था ना, कंजूस हुआ। शुरुआत से शुरुआत करते हैं, शुरुआत से शुरुआत में, मेरे बचपन से, मेरे बचपन से, आपके बचपन से। आपका नाम है चंकी, आपके भाई का नाम है चिक्की, आपके माँ बाप आपसे प्यार क्यों नहीं करते थे, ऐसे नाम क्यों रखे आप चंकी और चिक्की ना? या मतलब आपके बच्चों के नाम है अनन्या, रायसा, कितने प्यारे नाम है, नहीं सच ब्यूटीफुल नेम। मैं आपको बताऊँ जो मेरा रियल नेम है ना, सिर्फ मेरे स्कूल के दोस्त जानते हैं, मेरा रियल नेम है सुयश। सुयश खाली मेरे पासपोर्ट पर लिखा है, अगर कोई सुयश बोलता मैं मुड़ के देखता भी नहीं, तो मैं खुद भूल गया हूँ कि मेरा नाम सुयश है। हाँ वैसे व्हाट इज इन अ नेम यार, रोज कोई भी नाम से बहुत अच्छी खुशबू देता है। सर नाम कुछ भी हो, आप एक्चुअली मुंबई के सुपरस्टार हो, आपको पता है इनके घर की, हमने बात की थोड़ी देर पहले, चंकी पांडे लेन इनके नाम से फेमस है। नहीं, नहीं, वैसे मेरे डैडी के नाम से लेन का नाम रखा गया है, डॉक्टर शरद पांडे चौक, और बस चंकी पांडे रहता है उस गली में। इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। मैंने सुना है कि बेस्ट पार्टी जो मुंबई की होती है न्यू ईयर की या किसी की भी, वो चंकी पांडे सर के घर में होस्ट होती है। अरे बॉस मेरे घर में न्यू ईयर पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री आती थी और बाहर की भी इंडस्ट्री आ जाती थी। सर बताइए ना हम लोग कब आ सकते हैं उस पार्टी में? अरे बॉस मुझे बंद करना पड़ा, बिकॉज मुझे पता चला बाद में कि कोई टिकटें भेज रहा था मेरी पार्टी में आने के लिए। कमीना, वो मिला नहीं। अगर मुझे आइडिया पहले आता तो मैं भी टिकट भेजता मेरी पार्टीज के लिए। नहीं नहीं, बट मैंने एक स्टोरी सुनी है, अब आपसे वेरीफाई होगी कि सच है कि नहीं। हाँ। कि एक बार आपकी घर की पार्टी स्पॉन्सर्ड भी हुई थी। हाँ, एक चड्डी बनियान वाले ने स्पॉन्सर की थी। हाँ स्पॉन्सर की थी मेरे पार्टी को। चड्डी बनियान वाला। कसम से। सर की तो शादी भी स्पॉन्सर थी ना? नहीं नहीं, शादी ससुर जी ने स्पॉन्सर की। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.